जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मोदी योगी ने वादा किया था सरकार में कि हमारी सरकार आई तो हम आपको हिस्सा देंगे। हमें जो है 10 साल तक बकाया गया, 10 साल में कुछ भी नहीं मिला। मोदी जी रोज कहते थे मैं पिछड़े से नहीं अति पिछड़े से हूँ, पिछड़ों के लिए कलम नहीं लगाई आज तक। ओम प्रकाश राजभर को या ज्ञान संजय निषाद को मंत्री बना दिया, इससे क्यों इन गरीबों को हक मिल गया क्या? क्या काम करा मेरे लिए? ये तो काम अडानी कर अंबानी कर रहा। 50 लाख मेरे लाभ होने का, न हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में जाने का। मेरे लिए क्या काम करा? डबल इंजन की सरकार बने रे। इनका इंजन जागा दिल्ली और वहाँ रह गए और कोई। हमारे बच्चे बीए एमए एमएससी करे हुए घर घूम रहे, मजदूरी कर रहे, जनगणना करवा लो। आज मिला क्या? कुछ नहीं। 5 किलो अनाज मिला, वो मिला और कुछ नहीं मिला। एक बता दो, मंच तो बोल दो एक बार क्या करा। मोदी जी किसी भी मीटिंग में एक बार खड़े होकर बोल दो, जैसे बोलते थे कि मैं पिछड़े से नहीं अति पिछड़े से हूँ, ये बोल दो कि मैं पिछड़ों के लिए ये कर रहा है। हमारे पिछड़ों को धसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको खिचड़ी वाले स्कूल में भेज कर तो उन्हें शिक्षा से जो है वंचित करा जा रहा। सरकारी स्कूल है यूपी में, उनका सर्वे करा, बने सर्वे करवा कर देखो वे क्या जाने। एक भी काम नहीं किया गरीबों के लिए, काम कर रहे अमीरों के लिए, कोई काम नहीं गरीब के लिए। हाँ आपने स्वाद के लिए कर रहा, बता कितनी 1,70,00,000 पड़ी हो केंद्र में, तो जो जिम्मेदार हमें, हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और इलाज फ्री चाहिए। अब कहते हैं ना अखवा बनवा दिया 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, अब उसको लेकर अस्पताल में जावे कहने लगा इस पे इलाज नहीं होने का। ये जुमला दे रहे, जब मरने लायक हो उसे कहेगा इलाज करा, क्या करा इलाज मरी लिया जब जब तो कहेगा इस पे आयुष्मान कार्ड पे भी इसका इलाज नहीं होता। उन्होंने झूठ बोला है, वे सुवर्ण जाति के लोग है और उन्होंने पिछड़ा बन के पिछड़ों को ठगा है। गरीब को गरीब रखने का काम कर रहा है वो इस बात से। उस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, 5 सीट भाजपा की हराई, वो नुका बोल था ना उसने मैं पिछड़े से नहीं अति पिछड़े से हूँ। हमने सोचा कि चलो वो अपने उस तरह मारी कुछ फेवर करेगा, उसने हमें जूता मार दिया। बदला लेंगे मोदी जी से, अब की बार नहीं, हर चुनाव में बदला लेकर दिखाऊंगे। अब तक वो मोदी को वोट दिया जाके नहीं देने का, आज कहीं भी नहीं पढ़ा रहे, कोई पढ़ा नहीं हो रही। बेचारे गरीब बच्चे हैं, बेचारे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ रहे, मास्टर भी वहाँ सही से नहीं पढ़ाते, खिचड़ी चावल खा रहे जी, कोई सुविधा नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में मछुआ समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से आए हुए मछुआ समाज के लोग जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं और क्यों आखिर ये जनता मंतर पर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, इनसे समझते हैं। ये बताइए क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या ये है कि एक तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिन जातियों का आज तक कोई विकास नहीं हुआ उनको हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे 1947 में ये देश आज़ाद हुआ परंतु इन जातियों को हिस्सा नहीं मिला, आज तक इन बिरादरियों का एक भी डीएम एसपी जज मजिस्ट्रेट नहीं है और किसी भी थाने में दरोगा सिपाही भी नहीं है। आज तक ये मजदूरी के हिसाब किताब में ही है। आप चाहते हो कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बात लगातार राहुल गांधी अपने भाषणों में दोहरा रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको इस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वही बात आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक जो है हमारा मोदी योगी ने वादा किया था सरकार में कि हमारी सरकार आई तो हम आपको हिस्सा देंगे। हमें जो है आज तक 10 साल तक बकाया गया, 10 साल में कुछ भी नहीं मिला। मोदी जी रोज कहते थे मैं पिछड़े से नहीं अति पिछड़े से हूँ, परंतु पिछड़ों के लिए कलम नहीं लगाई आज तक। आज तक पिछड़े वर्ग के लिए मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो तो दिन भर रात भर बोलते हैं मैं पिछड़ों के लिए काम करता हूँ, पिछड़ा समाज मेरा अपना है, उसी के लिए दिन रात काम करता। पिछड़ा समाज उसके हाथ में क्यों होगा, उसका गुलाम नहीं, उसका कमाई का कर खाते हैं, उसके नौकरी नहीं है, उसको मंत्री बना दिया तो समाज को सब कुछ मिल गया, इसका तो मतलब ये हो गया। अगर ओम प्रकाश राजभर को या ज्ञान संजय निषाद को मंत्री बना दिया तो ये इससे क्यों इन गरीबों को हक मिल गया क्या? एक आदमी को मंत्री बनाने से समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, ले आपको लग रहा है पिछड़ा वर्ग के साथ मोदी सरकार जो है वो दोहरी रणनीति अपना रही है? बोलने के लिए तो बोल रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। क्या काम करा मेरे लिए? ये तो काम अडानी कर अंबानी कर रहा। मारे का बच्चे कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, हम बस
50 लाख मैरिट लाभ होने का ना हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में जाने का है। मेरे लिए क्या काम करा, डबल इंजन की सरकार बना रहे, इनका इंजन जाएगा दिल्ली और वहाँ रहेगा और कोई। यूपी से आप लोग, वहाँ तो डबल इंजन है ना, वहाँ तो फिर पिछड़ों के लिए भी तो काम हो रहा होगा है। क्या करा मेरे लिए, 5 किलो राशन तक क्या होगा, 5 किलो राशन तक क्या होगा, किसका घर चलेगा। हमारे बच्चे बीए एमए एमएससी करे हुए घर घूम रहे, मजदूरी कर रहे, 70% कश्यप समाज पश्चिमी यूपी में। आज जनगणना करवा लो, जनगणना करवा लो, आज आज जनगणना करवा लो। अगर आज भी 70% ना हो कश्यप समाज, कश्यप समाज को मिला क्या, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। 5 किलो अनाज मिला वो मिला और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं, क्या किया, क्या करा, एक बता दो, मस्त बोल दो एक बार, क्या करा पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी होकर बोल दो मोदी जी, किसी भी मीटिंग में एक बार खड़े होकर बोल दो, जैसे बोलते थे कि मैं पिछड़े से नहीं अति पिछड़े से हूँ, ये बोल दो कि मैं पिछड़ों के लिए ये खड़ा है। हमारे बच्चे, सिर्फ हमारे बच्चे, हमारे पिछड़ों को धसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको खिचड़ी वाले स्कूल में भेज कर उनकी शिक्षा से, उन्हें शिक्षा से जो है वंचित करा जा रहा। तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, यही मोदी सरकार का संकल्प है। मैं भी कहता हूँ मोदी सरकार, जो सरकारी स्कूल है यूपी में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत में, उनका सर्वे करा बने और उनके बच्चों को सर्वे करवा के देखो, वे क्या जाने। मोदी काम नहीं कर रहे ठीक, एक भी काम नहीं किया गरीबों के लिए, काम कर रहे अमीरों के लिए। अच्छा। रोड बनाए जा रहे ट्रक चलाने के लिए, परंतु पिछड़ों के लिए नहीं कोई काम है, गरीब के लिए कुछ नहीं है, गरीब के लिए कुछ नहीं, कोई काम नहीं गरीब के लिए। लेकिन मंचों से तो बोलते हैं कि गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ 18 घंटे, मंचों से तो बोल रहे अपने स्वाद के लिए कर रहा मोदी। हाँ, अपने स्वाद के लिए कर रहा, बताओ कितनी नौकरी दी, 1,70,00,000 रुपए की चिंता पड़ी हो केंद्र में, तो जो जिम्मेदार हम है। नौकरी वोकरी नहीं दे रहे आप लोग, हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और इलाज फ्री चाहिए। अब कहते हैं ना अखवा बनवा दिया 5 लाख का, इस क्या नाम है उसका, आयुष्मान कार्ड, अब उसको लेकर अस्पताल में जावे, कहने लगा इस पर इलाज नहीं होने का, हो नहीं, नहीं। मतलब जुमलेबाजी वाली सरकार, ये जुमला दे रहे, जब मरने लायक हो उसे कहेगा अभी इलाज करा, अब क्या करा इलाज, अब मरी लिया, जब अब मरे हुए का क्या करा इलाज इसका, जब इसको बीमारी कम थी जब करवाता इसका इलाज, जब तो कहेगा इस पर आयुष्मान कार्ड पर भी इसका इलाज नहीं होता छोटी बीमारी का, बताइए कैसे करे। अब अभी 24 में चुनाव है, क्या चुनाव में दिखा देंगे, दिखा देंगे, अगर हिस्सा नहीं दे रहे गरीबों को, क्या दिखाओगे, सरकार को भगा के दिखाएंगे, सरकार गिरा दोगे, जोड़ी डंडा ठहरेगा भागा का मोदी मोदी। हाँ, कह रहे अब की बार फिर तीसरी सरकार, अब की बार 400 पार, उसको 400 पार पता लग जाएगा, सहारनपुर मुजफ्फरनगर शामली में दिखाओ एक बार बैठ कर, बड़ो बता दोगे 400 पार, दिखा देंगे, बता कितना है। दिक्कत क्या है मोदी से भाई, मोदी से हमें दिक्कत यह है, हमें हिस्सा मिलना चाहिए, हिस्सा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हमें। सरकार में तो जब आए थे 14 में तब तो बोले थे कि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, पिछड़ों की सरकार, परंतु उन्होंने झूठ बोला है, वे सुवर्ण जाति के लोग है और उन्होंने पिछड़ा बन के पिछड़ों को ठगा है। अच्छा। हाँ, मोदी ने ठग लिया, ठग लिया है मोदी ने, क्या भाई हमारा आरक्षण लागू करे ना, ये हमारा आरक्षण है, आरक्षण है वो लागू कर दे, हम तो ये चाह रहे हमारे मतलब की जाति जनगणना कश्यप जाति जनगणना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, होनी चाहिए, 70% है हम, हमारा कहीं भी नाम नहीं, जिसका जितना आरक्षण। कह रहे हैं कि जाति जनगणना से देश को, समाज को बांटा जा रहा है, सब इंसान है, गरीब और अमीर ही जाति होती है और कोई जाति नहीं होती, मोदी जी बोलते हैं। गरीब को गरीब रखने का काम कर रहा है वो इस बात से मोदी जी। हाँ, क्योंकि गरीब को जो है जब हिस्सा मिल जाएगा वो अमीर बना देखना नहीं चाहता है ना। संजीव बालियान ने अब की बार हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर जिले, संजीव बालियान ने अब की बार, हो जाइयो हम मान जाओगे, अरे जमानत जब्त होनी है बीजेपी दावा ठोक रहे हैं कि अब की बार फिर हम सरकार बना रहे हैं, देखो तो पता चलेगा। और देखो आज हम उस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जिस जिले ने जातिगत जनगणना के विरोध में 5 सीट भाजपा की हराई, क्या नाम बुढ़ाना सीट हराई, और क्या नाम खतौली सीट हराई, और क्या नाम जो है चढ़थावल सीट हराया के दिखाई,
आज पता लग जाएगा। अगर जातिगत जनगणना नहीं हो रही है तो बीजेपी का वोट नहीं दोगे 24? नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं देंगे। और हमारे झील झरने गिट्टी घाट नदियों से निकलने वाला बालू वो हमारे अधिकार जो भाजपा ने कटे मोदी जी सरकार ने कटे उन्हें वापस करे। अरे वोट तो आप ही ने दिया था ना वो। हाँ वोट वो नुकाह बोल लिया था ना उसने, मैं पिछड़े से नहीं अति पिछड़े से हूँ। हमने सोचा कि चलो वह अपने उस तरह हमारी कुछ फेवर करेगा, उसने हमें जूता मार दिया, ठग लिया है, जूता मार दिया। हाँ तो अब की आप लोग बदला लोगे? बदला लेंगे मोदी जी से, अब की बार नहीं हर चुनाव में बदला लेकर दिखाऊंगे। क्या नाम? मेरा नाम संजय कुमार है जी। बताओ अभी मोदी जी बढ़िया तो कर रहे हैं, सब धरना क्यों दे रहे हो? अजी मैं धरना हमारी कोई मांग पूरी नहीं हो रही जी, हम देवेंद्र भाई के साथ हैं और जी हमारी कोई धरना पूरी नहीं हो रही जी, मतलब कोई मांग पूरी नहीं हो रही कश्यप समाज की। हमारी मांग है जी मतलब सभी आरक्षण दिया जाए भाई, हमारी मांग ये है भाई हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे कोई अफसर बने, हमारे कश्यप समाज में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। पढ़ा तो रहे हैं अजी, कहीं भी नहीं पढ़ा रहे, कोई पढ़ा नहीं हो रही, बेचारे गरीब बच्चे हैं, हमारी गरीब समाज है बहुत ज़्यादा, तो इसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। बेचारे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ रहे, मास्टर भी वहाँ सही से नहीं पढ़ाते, खिचड़ी चावल खा रहे जी, कोई सुविधा नहीं हो रही कश्यप समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए कुछ नहीं हो रहा जी। तो अगर आप लोग कह रहे हो जो आपकी मांगे हैं वो पूरी की जाए, जातिगत जनगणना हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? अजी बस हम जो है आगे हम वोट नहीं देने का, अब तक हमने वोट दिया भाजपा सरकार को, हम देने की नहीं, तक मोदी को वोट दिया, अब तक वो मोदी को वोट दिया जी, आगे नहीं देने का, हमारी मांग पूरी ना हुई तो कश्यप समाज से। सब कश्यप समाज से देवेंद्र भाई के साथ है जी। कितने लोग आए हमारे तो यहाँ से है जी, 8-10 हजार लोग भाग। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और मंच की तरफ से, ये उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, तमाम कश्यप और पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए।